नमस्कार साथियों, मैं शफी मोहम्मद सैफी एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज़ से। जैसा आप सभी को मालूम है कि नया सत्र शुरू हो चुका है, स्कूलों में पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश दिए हैं कि किसी भी स्कूल में कोई दुकान न खोली जाए और न किताब या स्टेशनरी लेने के लिए बाध्य किया जाए। लेकिन एक स्कूल यहाँ पर है गिरधरपुर के पास, यहाँ कल अभिभावक पहुँचे और उन्होंने प्रधानाचार्य को शिकायत की कि ज़बरदस्ती यहाँ से स्टेशनरी और सामान लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है। महंगे कोर्स और महंगी स्टेशनरी के अलावा हर साल कोर्स बदलना अभिभावकों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। जैसा आप सभी को मालूम है, कोरोना का समय गया, अभिभावक भी परेशान हैं, महंगाई के दौर से गुजर रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि यह स्कूल अपनी स्टेशनरी और सामान लेने के लिए अभिभावकों को बाध्य कर रहा है। इसी सिलसिले में देखें क्या कहते हैं अभिभावक। अभिभावकों का कहना था कि स्टेशनरी और सामान बाज़ार से हमें खरीदने दिया जाए। आज हम आए सेंट जॉर्ज स्कूल में क्योंकि हमारे सभी बच्चे पढ़ते हैं और ये लोग बुक्स और उसके साथ नोटबुक्स अपनी लगा कर दे रहे हैं और प्रत्येक वर्ष ये बच्चों का कोर्स चेंज करते हैं। इन्होंने बच्चों की फीस इतनी बढ़ा रखी है कि गार्जियन परेशान हो गए हैं। हम लोगों ने पहले भी शिकायत की थी लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है।